इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है जबलपुर के शैपुरा भिटौनी थाना से, जहां थाने से महज 5 किलोमीटर की दूरी पर बन रही NH-12 के 4 लाइन रोड के कॉन्ट्रैक्टर बागड़ कंपनी के प्लांट में लगी भीषण आग। प्राप्त जानकारी के अनुसार रात्रि 3 बजे प्लांट में रखी लकड़ी में लगी आग। शैपुरा थाने में सूचना के बाद शैपुरा नगर पंचायत की फायर ब्रिगेड और जबलपुर पाटन भेड़ाघाट की मिलाकर 6 फायर ब्रिगेड के वाहनों ने बड़ी मशक्कत के बाद सुबह 9 बजे किया आग को काबू। वहीं आपको बता दें, सूत्रों की माने तो आग लगने का कारण 11 की रात्रि में कर्मचारियों द्वारा पटाखा फोड़ने के कारण हुआ इतना बड़ा हादसा। प्राप्त जानकारी के मुताबिक कई लाखों की लकड़ी हुई जलकर राख। बता दें, जहां यह घटना हुई वहां से महज 10 कदम की दूरी पर बागड़ कंपनी का पेट्रोल पंप स्थित है। अगर दमकल की टीम गंभीरता से इस घटना को नहीं लेती तो एक बहुत बड़ा हादसा हो सकता था। फिलहाल जो यह बड़ा हादसा घटित हुआ है, इसका जिम्मेदार कौन है, इसकी छानबीन चल रही है। लेकिन कहीं न कहीं इस हादसे के पीछे बागड़ कंपनी के बड़े अधिकारियों द्वारा कर्मचारियों की लापरवाही का होना देखा जा रहा है। और अगर सूत्रों की माने तो कंपनी अधिकारियों द्वारा कर्मचारियों को सुरक्षा निर्देश न दिया जाना और पटाखा फोड़ने से मना नहीं किया जाना एक बड़ी लापरवाही को दर्शाता है। अब देखना यह होगा कि जो इतना बड़ा नुकसान हुआ है और कई लाखों की लकड़ी जलकर राख हो गई, इसका जिम्मेदार कौन है और इस घटना को लेकर जिम्मेदारों पर क्या कार्रवाई होती है, यह भी एक सोचने का विषय है। क्या घटना थी? पूरी आग लगी है बागड़ कंपनी में। करीब 2:40 करीब हैंडल डायल पहुंची नगर परिषद और 2:45 करीब यहाँ से हम लोग निकले। तो 3 बजे जाके वहाँ पहुँचे तो बहुत आग लगी हुई थी। वो बोल रहे थे कि 2 बजे के आसपास लगी हुई थी। कितनी फायरों ने कंट्रोल पाया आग पर? एक सहपरा की थी, एक पाटन की थी, एक भेड़ाघाट की थी और 3 जबलपुर। क्या कारण समझ में आया आग लगने का? वहाँ क्या बताया जा रहा है, लोगों में क्या चर्चा थी? हो सकता है कि फटाखे के कारण। क्या नाम है आपका? सीताराम पाठक, फायर चालक, नगर परिषद से। लगभग गश्त में था मैं, तो गश्त के दौरान मेरे को 2:45 करीब मेरे को एमेंट मिला। तो एमेंट में बागड़ कंपनी की कुछ लकड़ियां रखी हैं, उसमें आग लग गई है। तो मैं तत्काल प्रभाव से नगर पंचायत सैपुरा गया, वहां से FR भी लेके और जाके वहां पहुंचा। तो आग भीषण थी, आग इतनी भीषण थी कि एक गाड़ी से काबू नहीं पा रहे थे। फिर हमने कंट्रोल रूम जबलपुर को फोन लगाया। कंट्रोल रूम जबलपुर से फिर 3 गाड़ियां बड़ी आई और पाटन और बिलखेड़ा की एक एक गाड़ी आई। तब जाके आज सवेरे 6 बजे तक आग पर कंट्रोल पाया। क्या सामने क्या आया, क्यों लगी आग, क्या कारण? आग को ऐसा मतलब वहां पे लोग बताए हैं, चर्चाएं चल रही थी कि मतलब ये फटाक कुछ लोग 11 का त्योहार था, तो रात में वहां के कर्मचारी जो रुके हैं बागड़ कंपनी के, वो फटाके चलाए लकड़ियों के पास में। और एक जानकारी ये भी मिली है कि वहां पे जो कुछ लोग ठंड के कारण अलाव जलाए थे उसके पास में। पुलिस के द्वारा क्या कुछ कार्रवाई की गई अभी? अभी पुलिस के द्वारा ऐसी कोई कार्रवाई नहीं की गई है, वो उनके आने पर जो वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। क्या नाम है आपका? नाम ESIT कराम। पास की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए हमारे चैनल पुलिस ब्यूरो न्यूज को बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब करें, जिससे आपको हर खबर समय से मिलती रहे। अधिक जानकारी के लिए हमसे संपर्क करें, हमारे कॉन्टैक्ट नंबर हैं 9039011886 एवं 9770229999।